इसीलिए अनिरुद्ध थोड़ा सा ना मुझसे नाराज हो गया है और दूर बैठा है। वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज है फ्राइडे। फ्राइडे ना मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि सैटरडे संडे को मैं बहुत लुक फॉरवर्ड करती हूँ, क्योंकि वीकेंड एक ऐसा टाइम होता है ना जब आप एज अ फैमिली खूब इंजॉय करते हो, खूब घूमते हो और खूब आराम से रिलैक्स करते हो घर में। और कोई टेंशन नहीं होती आपको कि जल्दी उठना है, लंच बॉक्स पैक करना है, हस्बैंड ऑफिस जाएंगे, बच्चे स्कूल जाएंगे। तो वीकेंड इज समथिंग आई लुक फॉरवर्ड टू, इसीलिए फ्राइडे से ही वो एक्साइटमेंट शुरू हो जाती है। सो बस अभी मैं उठ के आई हूँ और अभी मुझे फटाफट से अंशुल का लंच पैक करना है क्योंकि वो ऑफिस निकलेंगे, और उसके बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं क्या कर रही हूँ। सो ये मेरे हस्बैंड का लंच बॉक्स है, पराठा विद लौकी की सब्जी, दही, और मैंने स्नैकर में एक पीच रखा है और थोड़ा सा मैंगो शेक विद सम स्प्रिंकल चिया सीड्स। मेरे हस्बैंड ऑलरेडी ऑफिस के लिए निकल गए हैं और मैं अभी जिम जा रही हूँ। गोविंद अभी घर पे सो रहा है, और आपको पता है दिन का यही टाइम होता है जब आप एक्सरसाइज कर सकते हो, अदरवाइज आपको पता ही है कि बच्चों के साथ पूरा दिन इन्वॉल्व हो जाते हैं हम, और पूरा दिन कैसे निकल जाता है पता भी नहीं चलता। तो मैं कोशिश करती हूँ कि अंशुल के ऑफिस जाते ही जिम आ जाऊँ, थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लूँ, फिर घर जाके गोविंद को उठाऊँ। तो बस चलते हैं। और आज का वेदर बहुत अच्छा है, जैसा कि आप देख भी पा रहे होंगे, सनी है बट ठंडा भी है थोड़ा सा। तो जिम हम पहुंच चुके हैं। तो बस मैं अभी अभी घर वापस आई हूँ और अभी 5 मिनट बैठ के फिर मैं गोविंद को उठाऊंगी। और मैं आप लोगों को भी यही सजेस्ट करूंगी कि एटलीस्ट 30 to 45 मिनट्स इन अ डे आप अपने लिए निकालिए, एक्सरसाइज करिए। एक्सरसाइज करने का मतलब यही नहीं है कि आपको वेट कम करना है तभी आप एक्सरसाइज कर रहे हो, एक्टिव रहने के लिए भी एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी होती है। और मुझे तो लगता है कि हम लेडीज को एक्सरसाइज करना और भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यू नो जब हम प्रेग्नेंट होते हैं इतना सारा वेट गेन कर लेते हैं, अगर वो वेट पूरी तरीके से आप शेड नहीं करोगे तो वो धीरे धीरे क्या होता है कि वेट एक्यूमुलेट होता जाता है, और उसकी वजह से फिर अक्सर लेडीज को घुटने में पेन आ जाता है। और आप तो जानते ही हो हम लेडीज को कैल्शियम की कितनी ज़्यादा कमी रहती है। सो अच्छा खाइए, और अगर आप इस शरीर नामक गाड़ी को अच्छे से चलाना चाहते हो तो इसका थोड़ा सा तो आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। एंड यू विल फील, अगर आप एक्सरसाइज करते हो ना तो आप पूरा दिन बहुत एनर्जेटिक रहते हो। सो थोड़ा सा टाइम अपने लिए जरूर निकालिए। बोलो आप ब्रेकफास्ट में क्या खा रहे हो? चाय रस। चाय रस आपको पसंद है? Yes. कितना पसंद है? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा पसंद है? Yes. तो जैसा कि आपको पता चल गया है, गोविंद खा रहा है चाय रस और मैं पी रही हूँ मैंगो शेक। वो बोलता है मम्मा पहले मेरी रिकॉर्डिंग करो, इसीलिए मैंने सोचा चलो थोड़ा सा क्लिप उसका डाल देती हूँ, क्योंकि आप लोगों को भी वो बहुत क्यूट लगता है। क्या आपका ब्लॉग करें? ओके इसका ब्लॉग बनाऊंगी मैं अब।
से, इसका रिव्यू मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। पालक पनीर की सब्जी, दलिया और रोटी। एक्चुअली पालक पनीर की सब्जी फिर डिनर पे भी काम आ जाएगी, तो मैंने सोचा पालक पनीर की सब्जी बना लेती हूँ, क्योंकि गोविंद को पनीर खाना बहुत पसंद है। और अपने लिए मैं थोड़ा सा दलिया बना रही हूँ, क्योंकि मैं पनीर की सब्जी अंशुल के साथ ही खाऊंगी रात को। तो ये दलिया मैंने रोस्ट करके रख लिया था एक एयरटाइट कंटेनर में, और बस जब बनाना हो आपको बस डालना है, थोड़ा सा नमक डालो और सीटी ले लो, बहुत ईजी है। दूध दलिया बनाती हूँ मैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है खाने में। आज मैं पालक पनीर बहुत ही सिंपल तरीके से बना रही हूँ, तो बस थोड़े से घी में मैंने हींग जीरे का तड़का लगाया है और ऊपर से मैंने इसमें फ्रेशली ग्रेटेड जिंजर और गार्लिक डाला है, और साथ ही साथ थोड़ा सा अनियन और हरी मिर्च डाली है। और इसमें आज बस मैं मसालों के नाम पर थोड़ा सा नमक ही डालूंगी और कोई भी मसाले नहीं डाल रही, और इस मिक्सचर को अच्छे से भून लूंगी। और जब ये भुन जाएगा उसके बाद मैं इसमें टमाटर डाल दूंगी और टमाटर को भी भून लूंगी। मैंने इसका और एक वेरिएंट बना के चैनल पे ऑलरेडी अब शेयर किया हुआ है, तो अगर आप वो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। और पालक प्यूरी बनाने के लिए मैंने बस पालक को कुकर में एक सीटी लगा के थोड़ा सा टेंडर कर लिया था और फिर उसको ब्लेंड कर लिया। और बस जब सब्ज़ी पूरी आपकी एक बार बॉईल हो जाए तो इसमें थोड़ा सा मैंने मलाई डाली है, और इसे अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी, और फिर से एक बार बॉईल जब सब्ज़ी हो जाएगी तो इसमें पनीर डाल दूँगी। और आज यही सिंपल सा पालक पनीर बना है, कम मसाले वाला, ये भी बहुत टेस्टी लगता है खाने में। आज ना पता है काफ़ी लेट हो गया। एक्चुअली हमने ना एक शेड्यूल सेट किया है कि हम लोग सुबह का काम करने के बाद, शावर लेने के बाद थोड़ा सा बाहर जाते हैं मैं और अनिरुद्ध, बट आज क्या हुआ कि मम्मी का फ़ोन आ गया और फिर वीडियो कॉल पे ना मैं अपनी भाभी के बेटे को देखने लग गई, तो टाइम का पता ही नहीं चला कि बातों बातों में कब 12:30 बज गए, और फिर मुझे लगा कि अब तो लेट हो जाएगा लंच। तो फिर हम क्विकली फटाफट नहा कर आए और अब मैं खाना बना रही हूँ, तो इसीलिए अनिरुद्ध थोड़ा सा ना मुझसे नाराज़ हो गया है और दूर बैठा है, और वो बोल रहा है कि मम्मी के पास नहीं आएगा, पापा से बाहर जाएगा जब पापा आएंगे। बट एनीवे शाम को तो जाएंगे ही जाएंगे, अभी मैं उसे मना लूँगी। गोविंद मम्मा से नाराज हो गया? नो प्रॉमिस, प्रॉमिस करो मम्मा को। थैंक यू, मान गया फाइनली। बहुत नाराज था, सोफा पे जाके लेट गया और बिल्कुल बात नहीं करी जब तक मैंने रोटी बनाई, और ना मेरे पास आ रहा था, बोल रहा था मम्मा बाहर नहीं लेकर गई। गोविंद को सुलाते सुलाते मुझे खुद पता नहीं चला कि मेरी आँख कब लग गई। एक्चुअली मैं दोपहर में सोती नहीं, बट कभी कभी ऐसा होता है ना कि जब आप बच्चों को सुलाते हो तो आपकी भी आँख लग जाती है। तो बस अभी मैं उठ के आई, जब मेरे हस्बैंड का मुझे कॉल आया कि वो ऑफिस से निकल चुके हैं, तो मैं एकदम से हड़बड़ा गई कि अभी टाइम क्या हुआ है, और मैंने उठ के देखा 4:20 हो गया था। तो बस मुझे याद आया कि जो कपड़े मैंने आज धोए थे वो पड़े हैं, तो अभी मैंने उन्हें सुखा दिया है बाहर, और अभी मेरे हस्बैंड आने वाले हैं। हम एक्साइटेड हैं क्योंकि आज फ्राइडे है, डिनर बन चुका है, तो ज़्यादा कुछ काम नहीं है, तो हम लोग जाएंगे आसपास की सराउंडिंग्स एक्सप्लोर करेंगे, और फिर वीकेंड है तो वीकेंड की एक्साइटमेंट तो बनती है ना, क्योंकि हमारा फर्स्ट ऐसा वीकेंड होगा यहाँ पे जब हम थोड़े से रिलैक्स्ड हैं। हमारा सामान अभी तक नहीं आया है, बट हमारा घर जितने सामान है वो सब अरेंज हो चुका है, और सो वीकेंड थोड़ा सा खाली रहेगा, एक्सप्लोर करेंगे, एंजॉय करेंगे, और अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आप लोगों के लिए लेकर आएंगे।
सो आज का वीडियो मैं यहीं ख़त्म करती हूँ. उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा. अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ आपको पता है इसे एक लाइक देना है, और कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सा पार्ट मेरी वीडियो का सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है. आई वुड लव टू नो दैट. एंड अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू दिस चैनल एंड बिकम द पार्ट ऑफ आवर फैमिली. सो फिर से मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ. टिल देन यू टेक केयर. बाय. हैप्पी वीकेंड.